आज एक्चुअली एक बड़े खास शख्स की सालगिरह है, बर्थडे है, और वो बर्थडे हम आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ मनाते रहते हैं और लोगों को मनाने का शौक है ना, हमें ट्रीटे लेने का शौक है, ट्रीटे लेने का, लेकिन ये तो सालगिरह जरा लॉन्ग डिस्टेंस जो है बर्थडे है जो मनाई जा रही है आज, क्योंकि जो जिसकी बर्थडे है वो लाहौर में मुकीम है और वो वहाँ पर बैठे है और हम इस्लामाबाद में, लेकिन आपको दिखाते हैं किसकी बर्थडे। डॉक्टर मुराद रास, डॉक्टर मुराद रास, और इन्हें हम जानते हैं पंजाब के साबिक जो वजीर तालीम थे उनके हवाले से जाने जाते हैं, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया था अपने पाकिस्तान में फौज के बाद। फौज के बाद पब्लिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है और बहुत सारी उसमें तकरीरियां हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़े रोजगार इन्वॉल्व हैं, बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो उस पर इन्हिसार करता है। तो 11.5 मिलियन बच्चे जो हैं पंजाब के सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और इसी हवाले से जब सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज हुआ था तो उसमें भी ये बड़े एक्टिव थे, बड़ी रेजिस्टेंस भी फेस की, न सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम के निफाज में बल्कि कोविड के हवाले से भी, जब कोविड के दौर में सख्त फैसले लेने पड़ गए थे तो उस वक्त भी ये जो है वो इन पर तनकीदी निशान बरसाए जा रहे थे। मैं तो यही करूंगा, आप लोगों को जो करना है वो कर लें। ये इस तरह का जो जुमला है वो इन्हीं की जुबान से हमने अदा होते हुए सुना। 2018 का इंतखाब जीता था उन्होंने अपने हल्के पीपी 159 और लाहौर में, और उसके अलावा 13 से 18 तक भी ये जो है वो सूबाई असम्बली के मेंबर रहे थे। बुनियादी तौर पर गुजरात से इनका ताल्लुक है, और एचिसन और ईस्टर्न जो केंटकी यूनिवर्सिटी है अमेरिका वहाँ से इन्होंने पढ़ा है, और अमेरिकी हेरिटेज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया वहाँ से इनका डॉक्टरेट है। डॉक्टर मुराद राज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर जब मुझे पता लगा तो, हालांकि मैं बर्थडे को कभी बड़ा बनाता नहीं हूं या कोई इस तरह की चीज, आपने जब कहा तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड के चलें बिल्कुल क्यों नहीं मनाते। माय फैमिली वाज वेरी सरप्राइज्ड हालांकि, और कहा अब्बा आप तो कभी बर्थडे इस तरह करते नहीं है तो ये किस तरह आप सुबह सुबह शो पे बैठने लगे। मैंने कहा बस इसी तरह ही है, मजबूर हूँ, क्या करूँ, एंकर जान नहीं छोड़ रहे। लेकिन लेकिन क्या वजह है बर्थडे ना मनाने की? आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्र ना पता चले? वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं बिल्कुल मनानी चाहिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ बर्थडे मनानी चाहिए, मगर आई डोंट नो एट जिस टाइम पे इस वक्त हम खड़े हैं, आई डोंट नो वो कोई इतना सेलिब्रेशन वाला टाइम है नहीं। आपको भी पता है कि जो जिन चीजों में से मुल्क गुजर रहा है इस वक्त, डजंट फील लाइक, आई जस्ट डोंट फील लाइक कि सेलिब्रेशन का कोई टाइम है ऐसा इस वक्त। लेकिन इस हिसाब से तो फिर गुज़िश्ता 70 सालों से हमें कोई सालगिरह नहीं मनानी चाहिए थी। हम तो हमेशा खबरों में यही सुनते हैं ना, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी सालगिरह है? नाजुक मोड़ का नाजुक मोड़ जी, हम नाजुक मोड़ काट नहीं सक रहे, पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि 53 सबको बताना चाहिए, 53 भी एक नाजुक मोड़ है। नाजुक मोड़ है, पर नाजुक मोड़ नहीं खत्म हो रहा, वी हैव टू गेट पास्ट दैट नाजुक मोड़ किसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि बर्थडे इसका वैसे आपके घर में रिवाज है क्या, मतलब कौन सबसे पहले विश करता है, और खान साहब विश करते हैं या नहीं करते? वैसे उनको मुझे नहीं पता, शायद अपनी भी इतने नाजुक मोड़ में हम कि वो अपनी भी भूल जाए आजकल तो। लेकिन ये है कि कभी कोई एक्सपेक्टेशन उनसे रही है कि यार पार्टी का चेयरमैन है और मैं उसका इतना लॉयल वर्कर हूँ तो एक विश तो बनती है? नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन, मेरी कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मुझे कोई बर्थडे विश करे, मगर हमारे घर में ये है कि वो रात को 12 बजे शुरू हो जाता है पिछली रात से, सो वो बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि अगर आप सो भी रहे हैं तो वो आपको उठा देते हैं हैप्पी बर्थडे। अभी वेट कर लें, कल सारा दिन बर्थडे का है, सो व्हाट्स द इमरजेंसी? सो इसलिए वो बात अभी तक जो है ना, दैट्स स्टिल अंडर डिस्कशन, कि रात को पहले शुरू हो जाती है, सो इसलिए ठीक है, जबरदस्त है, सो इसलिए बिल्कुल। और गिफ्ट मिलने का रिवाज भी होगा फिर तो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज, देयर इज नो बर्थडे विदाउट गिफ्ट्स, सो इसलिए मुझे गिफ्ट्स देने का ज्यादा शौक है, गिफ्ट्स लेने का इतना शौक नहीं। पहले फिर हम आपको अपनी बर्थडे का मैसेज कर देंगे कि किस दिन है, ताकि आपका शौक पूरा हो, आपके लिए करेंगे, हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये आपके लिए। पक्की पक्की बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन मेरा शौक पूरा हो जाए सर। हाँ बिल्कुल, आपका करेंगे शौक पूरा बिल्कुल। लेकिन अच्छा, आप जरा आ जाते हैं, हम जो पॉलिटिक्स है हमारी पंजाब की खासतौर पर, क्योंकि पंजाब इज द मेन सेंटर, जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट बनती है, फेडरल में भी वही बनाने के काबिल होता है।
रहा है और पंजाब में ही मजबूती जो है वो आपको फेडरल तक लेके आती है। लेकिन पंजाब के हवाले से हमने देखा कि कुछ तकरीरियाँ हुई हैं रिसेंट दिनों में और कुछ लोगों का कहना यह है कि शफकत महमूद साहब बीमार थे और वो उस तरह से कर नहीं सकते थे तंजीमों का जो भी सिलसिला है, इसलिए उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और कुछ लोगों ने यह कहा कि उनसे खान साहब नाखुश थे तो इसलिए तंजीमें जो हैं उनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। आपको क्या लगता है और आपकी क्या खबर है इस हवाले से? देखिए मैं आपको ये बताऊं शिफा के जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑब्वियसली उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी सो इसलिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है पंजाब को संभालना अगर आपकी सेहत के इश्यूज आए हों, जो कि उनके आए हैं इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जब भी चीज़ चेंजेस तो करने पड़ते हैं आपको, चाहे वो हेल्थ रीजंस की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से हो। सो आई थिंक जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको चेंजेस जितने करने पड़े आपको कर देने चाहिए, इट डजंट मैटर। सो इसलिए सबको एक डिसेंट टाइम मिलना चाहिए टू मेक अ डिफरेंस, अगर वो नहीं क्रिएट कर सक रहे उनको फारिग कर देना चाहिए। मैं सही है। अच्छा एक और फरागत भी हुई है, खुसरो बख्तियार साहब को भी आप लोगों ने जनूबी पंजाब के एरिया से हटा के और अब्बास बप्पी साहब को ले आए आप लोग। तो मुल्क से बाहर तो... है वैसे भी क्या वो एक्टिवली काम करेंगे? भाई तो उनके वैसे यहाँ पर है, भाई है पंजाब में। तो बख्तियार को हटाया ना भाई को तो हाँ, लेकिन यह है कि भाई को भी मतलब वो उनका क्या है स्टेटस और पंजाब में वैसे पीटीआई कहाँ स्टैंड करती है अगर मिसाल के तौर पर अनकरीब इलेक्शन हो जाए तो? देखे क्योंकि वो भी मुल्क से बाहर थे, जो खुसरो है वो मुल्क से बाहर थे, तो इसलिए ऑब्वियसली इस वक्त मुल्क से बाहर रहना जो है इट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। और अगर वो अपनी चीज़ों में पर्सनल चीज़ों में बिजी हैं तो ऑब्वियसली किसी और को लगाना था जो यहाँ पे हो और एक्टिवली काम कर सके। मेरे ख्याल से ऑन बपी इज़ अ वेरी गुड चॉइस। और दूसरी चीज़ ये कि पंजाब में आप देख रहे हैं भी ज़िमनी इलेक्शन आगे आ रहे हैं अगले महीने जो शुरू हो जाने, मेरे ख्याल से वोटर जो है वो पूरा पूरा अपना गुस्सा निकालेगा इंशाल्लाह ताला पोलिंग बूथ पे। मगर जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि वोटर्स को निकाल के फेंक दिया हर डिफरेंट जगह पे, आप ये सोचें कि मेरे अपने लोग मेरे हलके के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे 12-12, 13-13 फैमिलीज के लोग जो हैं उनके वोट इस तरह बाहर निकाल के फेंके, फॉर व्हाट रीजन? ये तो नादरा और इलेक्शन कमीशन की कमिटमेंट थी कि जी हम जो आपका टेम्प्ररी पता या आपका परमानेंट पता जो आईडी कार्ड के ऊपर है उसके ऊपर आपका वोट होगा, ये निकाल के वोट फेंक देना। असल में ये अगले इलेक्शन की रिगिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है। क्या करें इस मुल्क के, बस ये टूटे हुए अदारे हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं बिल्कुल। और आपको पता है कि सारे इस वक्त डकैत जो हैं और चोर इकट्ठे हुए हैं, आई मीन व्हाट कैन यू डू? लेकिन सर ये टूटी हुई इदारे सही तरह से जीत नहीं सकते हैं, तो हर दफा ये चीज मैनिपुलेट की जाती है। आप लोगों का दिल तो नहीं टूट जाता कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर क्या फायदा, कोई तब्दीली नहीं आ रही, छोड़ो इस चीज को? नहीं अब अवैस भाई इस तरह होता नहीं है। अगर हम उनमें से होते तो मुझे 14 साल पार्टी के अंदर हो गए, मुझे फिर बहुत पहले ही छोड़ के चले जाना चाहिए था और बहुत सारे लोगों को और चले जाना थी। एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक इसमें आपको ये लड़ाई लड़ते रहना है और एक हमारे फैसले होते हैं, एक अल्लाह ताला का फैसला होता है। सो अल्लाह ताला का हमेशा बेहतरीन फैसला होता है और इस मुल्क के अंदर चेंजेस आएंगे। आपने लेटली देखा है कि अवाम किस तरह उनकी आपको पता लगता है उनकी बातचीत से सोशल मीडिया पे, वैसे बातचीत से पता लगता है कि उनको पता है कि अब राइट और रॉन्ग क्या है, जो कि खान साहब ने आके ये सबको बताया, उनसे पहले नहीं किसी को पता था। अब जिस तरह लेकिन अब जो गवर्नमेंट बार बार सामने लेकर आ रही है, अभी कल भी एक वोट नहीं मिला। अभी कल भी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ साहब ने और अजमा बुखारी साहिबा ने, वो फरा गोगी वाली एक ऑडियो उसके हवाले से बातचीत चल रही है, तो ऐसी ऑडियोज़ भी जब आती रहती हैं तो आप लोगों का अपना पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ उस हवाले से क्या है कि ये जो ऑडियोज़ हैं इनको किसी तरीके से पार्टी जो है वो या तो डिनाई करेगी या उनके हवाले से कहेगी कि भाई हम चेक कर लें अपने आप को कि कहीं ऐसा कोई मामला हो तो नहीं रहा था जो हमें नहीं पता हो? क्या इशू है ये? मैं तो कहता हूं जी कि जिसने कुछ किया है ना उसको पकड़े, बात खत्म होगी, चाहे वो पार्टी का हो या पार्टी का ना हो, डज नॉट मैटर। जिसने कुछ किया है, जिसकी इस तरह की चीज कोई सामने आती है, लेके जाएं, पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसके अलावा क्या, अब अगर मैं किसी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूं और इस तरह की चीजें सामने आ जाए तो वो तो फिर मेरा कसूर है ना। मैं तो कहता हूं कि जिसके खिलाफ जो चीज आती है उसको पकड़े और बात खत्म करें, बजाय बजाय टीवी पे आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाई पकड़ो जाके जिसको पकड़ना है। हमें क्या कह रहे हैं? अगर किसी ने किया चाहे वो पाकिस्तानी है ना, पार्टी में तो बात है, पहले तो पाकिस्तानी है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया पकड़े उनको। तो इसमें एक चीज ये भी है ना कि एक तो ये खैर
अभी अभी तो वो बाहर हैं, लेकिन वैसे कहते ही हैं कि उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कहीं आपको नज़र आई? मतलब अगर हम आपके डिपार्टमेंट की या आपकी वजारत की बात करें, कभी आपने कोई इस तरह की बात सुनी कि ये कोई खातून है जो कि किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1% भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हों? कभी आपकी उनसे मुलाकात, कभी कोई आमना सामना, कभी कोई किसी के थ्रू कोई मैसेज कोई आया? मैं आपको ये बता दूं अवैस भाई के, जिस तरह आपको पता है कि मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और सब चीज़ों का कितना बड़ा इशू था। अगर पैसे बनाने होते तो मैंने 10 अरब की करप्शन साल की रोकी थी, 10 अरब पर ईयर, ठीक है जी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग, बाकी चीज़ें भी जो हमने ऑनलाइन की। अगर इस तरह की कोई बात होती तो मेरे पास तो सबसे पहले आती ना, क्योंकि इतने बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें 4 लाख लोगों की ट्रांसफर्स हो रही हैं और 4 लाख लोगों की अपग्रेडेशन हो रही है, डिफरेंट चीजें जो ऑनलाइन हो रही हैं, हर चीज में पैसा खाया जा रहा था, हर चीज में। सो हमने खत्म तो नहीं किया मगर उसको मिनिमल तो कर दिया ना कम से कम। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई औरत जिनकी ये बात कर रहे हैं मेरे पास आती है, इनका कोई मैसेज आता तो मुझे जरूर पता होता, क्योंकि अगर इतने बड़े डिपार्टमेंट के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, क्योंकि मैं तो डंडे के जोर पर चलाता था डिपार्टमेंट। देखे अगर डंडे के जोर पर इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं चलाएंगे तो कभी भी नहीं चलेगा। सही है। और आप दूसरी चीज ये देखें कि अब इन्होंने जो सिंगल नेशनल करिकुलम रोक दिया है, कितना नुकसान किया है। अब इंडिया वो रिवर्सल हो गया उसका, लिए तो नहीं सिंगल नेशनल करिकुलम, लेकिन मुराद साहब क्विकली देखें, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोटिंग मतलब वोटर वोट्स जो बदले हैं वो इधर उधर के हलकों में डाल दिए, लोगों को उठा के इधर उधर फेंक दिया, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों की? उन्होंने तो कर दिया जो करना था, आप लोग क्या करेंगे? देखिए उसके लिए हमने आज भी मीटिंग बुलाई हुई, आज शाम को भी मीटिंग है। हम अपने लोगों को इस वक्त बिल्कुल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि किस तरह फॉर्म लेना है, उनके फॉर्म्स हमने इकट्ठे करने हैं जाके। मगर मैं आपको ये बताऊं शिफा, ये इस तरह होता नहीं है। अब आपका या लेट्स से कोई ऐसी फैमिली है जिसका इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, मगर वो वोट जरूर डालते हैं जाके, ठीक है, वो रोज रोज के इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टीज के अंदर उनकी या पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर, तो उन लोगों ने क्यों मेहनत करनी जाके, क्यों वो फॉर्म फिल करेंगे, क्यों सब कुछ करेंगे? ये तो गवर्नमेंट, ये तो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपका वोट क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, फॉर व्हाट रीजन। हमें कोई दुख नहीं बनता इन चीज का कि आप उठाएं किसी का वोट फेंक दें और उनको पता भी ना हो। बिल्कुल, मेरा भी हुआ है, मेरा भी अपने घर से ले जाके कहीं और डलवा दिया है उन्होंने, मेरे पेरेंट्स का उधर ही है और मेरा अलग जगह पे कर दिया है। मैं तो खैर जाऊंगी क्योंकि आई कांट बी बॉदर्ड कि मैं चेंज कराऊं, आई कांट बी बॉदर्ड टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं नई जगह जाके डालाऊंगी, लेकिन ये कि मेरे पेरेंट्स का वहीं पे है विदाउट एनी चेंज ऑफ एड्रेस, बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया, ये मामला तो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब मैं इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या दूं? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं इससे बड़ी एग्जांपल क्या दूंगी शिफा, आप वहां बैठी भी है, हम तीन लोग बात कर रहे हैं और आपकी फैमिली के साथ ही हो गया। सो अब आप सोचे कि अवैस भाई चेक करें तो उनकी फैमिली के साथ भी शायद हुआ हो। मैं भी चेक करवाता हूँ, ये जरूरी है चेक करवाना, बिल्कुल एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुराद राज साहब, हमारे साथ मौजूद थे।